आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय सिवनी में पुलिस व्यवस्था बहुत लचर हो चुकी है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। बाबूजी नगर के करीब सुरेंद्र श्रीवास्तव एडवोकेट के घर का ये सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज में आप अभी देखेंगे सुरेंद्र श्रीवास्तव के घर का ये नज़ारा, और रात लगभग 2:30 बजे की ये सीसीटीवी फुटेज उनके द्वारा निकाला गया है। और इस सीसीटीवी फुटेज में आपको अभी हम दिखाएंगे, देखिए रात का समय, अंधकार चारों तरफ और एक स्कूटी खड़ी हुई है, कार खड़ी हुई है कार दाई ओर, और ये देखिए एक को कोई मुंह के ऊपर पूरा एक लपेटे हुए गमछा नुमा कोई चीज़ लपेटे हुए, हाथ में रॉड भी है, देखिए रॉड इनके द्वारा रखी गई, चश्मा लगाया हुआ है एक किसी चोर के द्वारा, घर के अंदर चोर टहल रहे हैं और पुलिस का आता पता नहीं है। कोतवाली पुलिस, ये देखिए यहाँ पर अब ये बाजू में कूद कर दूसरे घर की ओर जा रहे हैं। कोतवाली पुलिस रात्रि गश्त करती है, 1 अगस्त का संभवतः है, 31 जुलाई का ये नज़ारा है, 31 जुलाई का उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाला हुआ है, और रात लगभग 2:30 बजे के लगभग की घटना। और ये देखिए यहाँ से बाजू में चोर जो हैं वो बहुत आसानी से घर के अंदर से टहलते हुए, बरामदे से टहलते हुए दूसरे के घर के अंदर चले गए। किस तरीके की पुलिसिंग है, किस तरीके की रात्रि गश्त है, इसका अंदाज़ा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। दरअसल सिवनी में नगर कोतवाल सहित निरीक्षक अंडर ट्रांसफर हैं, सभी के स्थानांतरण हो चुके हैं। जिला पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण हो चुका है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद लंबे समय से खाली है, देखिए वहां से अब ये वापस लौटकर हाथ में रॉड लिए हुए दाहिनी तरफ जाते हुए आपको दिख रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किस तरीके का यहाँ पर सिवनी में पुलिसिंग, और एसपी बंगले से देखा जाए तो 150-200 मीटर दूर ही ये घर माना जा सकता है, या 300 मीटर दूर भी इसे मान लिया जाए। तो पुलिस रात में किस तरह गश्त कर रही है, पुलिस का खुफिया तंत्र किस तरह का है, रात में चंदन के झाड़, जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को वन विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया कि लगभग 1 दर्जन, ये देखिए ये उस फिर एक बार हम आपको दिखा रहे हैं उसी फुटेज को, ये उतर कर दूसरी तरफ जा रहे हैं और रॉड रखकर, देखिए एक सब्बल नुमा चीज़ उनके पास रॉड नुमा चीज़ है जो वहाँ पर आपको दाईं तरफ रखी दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को साई न्यूज़ को वन विभाग के सूत्रों ने यह भी बताया कि बीती कुछ दिनों पहले की रात में 4 जगह से चंदन के झाड़ चोरी हुए हैं, उसके सीसीटीवी फुटेज भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही वो फुटेज सीसीटीवी आसपास के मिलेंगे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा, आपको उन सीसीटीवी फुटेज के जरिए रात का पूरा घटनाक्रम बताया जाएगा कि किस तरह चंदन चोर आते हैं और चंदन चोर काट कर पूरा पेड़ लेकर जाते हैं। अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लगे तो निश्चित तौर पर आपको उससे भी रूबरू कराया जाएगा। एक बार फिर हम दिखा रहे हैं, देखिए बहुत आसानी से चले आ रहे हैं और इनके द्वारा यहाँ पर आजू बाजू देखा गया, और एक गमछनुमा चीज पूरे मुंह और सर पर लपेटी हुई है, और एक चश्मा इनके द्वारा पहना गया है। इसका मतलब नज़र चोर की कमज़ोर है, हाथ में दस्ताने भी आपको नज़र आ रहे होंगे, रॉड इनके द्वारा रखी जाती है और ये कूद कर ये दूसरी तरफ यहाँ से जा रहे हैं। और जो इनके द्वारा पहना गया है ऊपर से एक बरसाती, संभवतः बरसाती जैसी कोई चीज़ पहनी है, और अगर आप बरसाती या ऐसी कोई चीज़ पहनते हैं तो उससे आवाज़ तो होती है, चैन से सोना है तो जागते रहो, एक पंच लाइन थी किसी टीवी के क्राइम शो की। और ये देखिए वहाँ से वो लेकर रॉड को या सब्बल को लेकर वहाँ से चले गए, और उसके बाद अब हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं 31 जुलाई का ये नज़ारा आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, 31 जुलाई 2023 का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट।
रात का नज़ारा 2:54 अर्थात 2:30-3 का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 2:54 अर्थात 2:30-3 के बीच की ये घटना। कितनी आसानी से चोर यहाँ पर टहल रहे हैं घर के अंदर, घर की चार दीवारी के अंदर, और हाथ में एक सब्बल या रॉड लेकर ये चल रहे हैं। क्या इसे माना जाए सिवनी की पुलिसिंग, कोतवाली पुलिस या डोंडा सिवनी थाना पुलिस की पुलिसिंग कैसी? डोंडा सिवनी थाना पुलिस के जो प्रभारी हैं वे भी, उनका भी स्थानांतरण हो चुका है, कोतवाल नगर कोतवाल का भी स्थानांतरण हो चुका है, सभी अंडर ट्रांसफर हैं। पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण हो चुका है, नए पुलिस अधीक्षक ने आमद नहीं दी है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद भी रिक्त है। सिवनी में जो सांसद विधायक क्या कर रहे हैं समझ से परे है। समाचार एजेंसी इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।